बच्चों शीट टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कितने बच्चों को डाउट है? होना तो वैसे नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? सर एसीटोन। एसीटोन। तो पहला इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ मेसिटाइल ऑक्साइड बनाता है, तुम्हें याद होगा मेसिटाइल ऑक्साइड का, तो मैंने तुम्हें कहा था फॉर्मूला भी याद कर लो स्ट्रक्चर, तो ये भी बनाता है। ये मेसिटाइल ऑक्साइड बनता कैसे बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन से। हाँ है ना। और ओजोनोलिसिस से बनता है, इसके बनता है ठीक है ना गाइस? ये जो एसीडोन है ये ओजोनोलिसिस से बन जाता है, जो कंपाउंड दे रखा है उसके। प्रोपाइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से नहीं हो सकता क्योंकि इन दैट केस यू विल गेट अ एल्डिहाइड रादर देन अ कीटोन बच्चों। हाँ है ना। यस नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड को एक्वस एनयूएच याद करोगे बच्चों? अब देखो एक्वस एनयूएच के बाद हैव दे स्पेसिफाइड हीट, बताओ गाइस? नो सर। तो हम क्या करेंगे, विल लीव इट एट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? सो द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस गाइस, नॉट द दिस इज द प्रोडक्ट। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा। एंड यू कैन ऑब्जर्व, हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर सी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रॉस एल्डोल है, हाँ है ना, क्योंकि एक तरफ सी एस सी सी एच ओ है, एक तरफ एच सी एच ओ है। तो हम क्या करेंगे, हीट भी दे रखा है गाइस, डाइल्यूट एनयूएस डाला। डाइल्यूट एनयूएस में याद होगा क्या आ जाता है एल्डोल के लिए? हाँ कंसनट्रेटेड एनयूएच, हम कंसनट्रेटेड ओएच माइनस यूज करते हैं कैनिजारो के लिए ठीक है। तो हमने ये किया, डाइल्यूट एनयूएच के बाद रिएक्शन करवाएंगे और हीट दे दिया, तो लेट मी मेक द डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये बनेगा। हाँ या ना? मतलब पहले यहाँ पे सी एच टू ओ एच बना होगा, यहाँ पे सी एच टू सी एच ओ रहा होगा, हीट करने का, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। अब हमने इसमें एच सी एन दे मारा और हाइड्रोलिसिस भी कर दिया, तो वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सी ओ एच, बोलो गाइस? राइट। अरे मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो पूछा था। हाँ हो गया गाइस, आई थिंक इट इज डन। नेक्स्ट पे चलें। सर ये ऊपर डबल बॉन्ड की जगह नहीं लाएगा एचसीएन? HCN? नहीं बेटा तुम्हारा अंडरस्टैंड करो, हमें इसमें सी एन माइनस अटैक कर रहा है, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। सी एच ओ पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, मतलब सी डबल बॉन्ड पे इसका जो कार्बन है उस पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा ना बेटा। इट इज फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट सी एच ओ इंस्टेड ऑफ दैट सी डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बेटा? क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड केस में यू हैव गॉट बीटा कीटो एसिड, तो उससे सीओ टू निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों? सी में नहीं निकलेगा, बीटा कीटो नहीं है ना बेटा, हमें डी कार्बोक्सिलेशन करना है, सीओ टू उड़ाना है ठीक है ना। यहाँ से जो तुम उड़ाओगे, यहाँ से तुम जानते हो क्या उड़ाओगे, तुम वाटर उड़ाओगे अगर उड़ाना चाहोगे सी का, और डी में तुम्हारा मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें भी सीओ टू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं गाइस। गाइस हमें दे रखा है कंपाउंड बर्न्स विद सूटी फ्लेम, अच्छा जी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म करता है, डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा बताते कीटोन। होगा? कीटोन। आयोडोफॉर्म दे रखा है इसका मतलब मिथाइल कीटोन या राइट, मतलब इन्होंने एल्कोहल तो दिया ही नहीं। अच्छा एल्कोहल दे सकता था आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन उन्होंने एल्कोहल ऑप्शन में नहीं दे रखा ठीक है। सूटी फ्लेम का मतलब क्या है गाइस? कार्बन कंटेंट जिनमें ज्यादा होता है ना, दे गिव अ सूटी फ्लेम। तो ब्लैक जो निकलता है बर्न करने के मतलब हाँ ब्लैक बेटा, तो बर्न कर देंगे इसको, तो ब्लैक ब्लैक से निकलता है। हाँ हाँ दैट इज सूटी फ्लेम। तो आइडिया क्या है, सूटी फ्लेम के लिए कार्बन कंटेंट हैज टू बी इन मतलब लार्ज अमाउंट, ताकि सूटी फ्लेम तब आती है जब कार्बन पूरा बर्न नहीं होता, तो कार्बन कंटेंट ज्यादा है दैट विल बी योर आंसर। हम कहेंगे जो एसीटोन है, एसीडोन कुड बी वन ऑप्शन, एसिडोफिनोन कुड बी वन ऑप्शन, बट वील चूज एसिडोफिनोन सिंस द कार्बन कंटेंट इज हाई। जो ज्यादातर बेंजीन वाले कंपाउंड्स हैं दे आर द वन विच गिव अस सूटी फ्लेम ठीक है।
बेटा हम बेंजीन वाले को चूज करते हैं सूटी फ्लेम के लिए, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन का कंटेंट कम है, कार्बन का कंटेंट रिलेटिवली ज्यादा है प्रोपोर्शनेटली। जो तुम्हारे एल्केन्स होते हैं दे बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, मतलब उनमें सूट नहीं आता, तो हम ज्यादा वो देखते हैं जिसमें अनसेचुरेशन ज्यादा है ना, वो तुम्हारा सूटी फ्लेम देता है। गाइस हमें दे रखा है रेड पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब है इट हैज गॉट टू बी अ एल्डिहाइड एंड इट कैन नॉट बी अ बेंजल्डिहाइड, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे तो पहले वाले केस में तो तुम्हारा एल्कोहल बनेगा, दूसरे वाले केस में भी एल्कोहल बनेगा, तीसरे वाले केस में ईथर बनेगा, फोर्थ वाले केस में तुम्हारा एल्डिहाइड बनेगा। Hg2+H+ में तुम्हारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिक ऑफ की यहाँ पे जरूरत नहीं, यू विल गेट CH3CH2 एज द प्रोडक्ट, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर यस 7 पे आते हैं, करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी टॉलरेंस, ठीक है बच्चों। 2,4-DNB तो तुम्हारा दोनों इशू करें, इट इज गोइंग टू बी टॉलरेंस। आगे चलते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू 8, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, यार ये या तो एल्डोल देगा या तुम्हारा क्लेजन स्मिट भी देगा, क्योंकि दैट वाज व्हाट, उसमें हम एक तरफ बेंजल्डिहाइड या HCHO ले लेते थे इफ यू रिमेम्बर, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एक के पास तो है ना गाइस। तो तुम CH3CH और बेंजल्डिहाइड को करोगे, यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ है ना, तो इट इज गोइंग टू बी बोथ बी एंड सी। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे मल्टीपल करेक्ट है, हमें दे रखा है गैस 2,4-DNB देता है, हम कहेंगे इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है। रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, इसका मतलब तुम्हारा क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। सर अंडरगोज कैनिजारो, वी कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब द एल्काइल ग्रुप शुड बी एट 1,2 पोजीशन। तो गाइज आंसर तुम्हारा वहीं से दिखना शुरू हो जाता है, क्या हुआ, इट इज गोइंग टू बी ए। अच्छा गाइज ए में मतलब ऑक्सीडेशन करने के बाद जो बना उसको अगर मैं हीट कर दूंगा तो क्या होगा, मतलब मैंने यहाँ पे किया और मैंने करा मतलब हीट कर दिया तो क्या बनेगा, बताओ गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 लिख दूं मैं, सर ए ऑप्शन नहीं हाँ ए आंसर है, ये तो समझ आ गया, सर, हीट किसको करना है? हीट ए को नहीं, हमने कहा ये बन चुका है। अब इसको अगर मैं हीट करता हूं तो व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू गेट, सर एस्टर बन जाएगा सर। बेटा उसके लिए अल्कोहल और एसिड चाहिए, सोचो बताओ, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्मल है गाइस, कोई स्ट्रेस की बात नहीं, फटाफट बताओ, इसको मैंने हीट कर दिया क्या बनेगा, हीट इज नॉट एट ऑल वाटर डिफिकल्ट निकल बच्चे, जाएगा, हाँ वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा, करेक्ट, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। मेरे को ना एक तो COH यहाँ पे बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे क्या है बच्चों जिसमें क्लैरिटी रहती है ना वही चीज करो, COH, यू कैन अंडरस्टैंड क्या बनने वाला है, वाटर बाहर निकलेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस इज द प्रॉड, हाँ है ना, एसिटिक, सॉरी एसिडिक नहीं, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड किसी को याद है, थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टेरेप्थैलिक एसिड, कम ऑन गाइस। यस सर, तो थैलिक एसिड वाज दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ऑर्थो पोजीशन पे COH COH, आइसोथैलिक होता है जब, लेफ्ट वाला। हाँ, दिस वाज योर थैलिक एसिड, दिस वाज योर थैलिक एनहाइड्राइड, अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर मैं आइसोथैलिक एसिड लेता और हीट करता कुछ होता क्या, उसमें नो रिंग सर, फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती, नो मतलब कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है ना गाइस। आई जस्ट गॉट अ फीलिंग ये क्वेश्चन JEE में आ रखा है इस टाइप का, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ सम क्वेश्चन इन ऑफ JEE। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों, 10 में कितनों को डाउट है, गाइस हमारे पास है CH3CH, कहाँ चला गया, अच्छा ओ सॉरी, हमें दे रखा है एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, CH3CHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। अब गाइस उसने हमें क्या पूछा है, मेजर प्रॉड या क्या मेन प्रॉड, कौन मेन सा,
इसका मतलब है हम इसका इनोलेट बनाएंगे, इस पे अटैक करवाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि हमें पता है अर्ली हाइट पे अटैक फेवर्ड होता है, और इनोलेट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग किसका होता है? कीटोन का। हाँ है ना? तो बेसिकली यहाँ से वो हटेगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन हटेंगे, डबल बॉन्ड बना दे, यू विल गेट योर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। फाइन, टेंथ का बी, करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, अब आते हैं 11 पे। K2CO7 क्या था? ऑक्सीडाइज किया, ग्रेट। फिनाइल हाइड्रोजन क्या रिएक्ट कर गया, लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब इट कैन नॉट बी अ एल्डिहाइड। हाँ है ना? ऑक्सीडाइज किया और प्रोडक्ट ऑप्टेन, ऑक्सीडाइज किया इसका मतलब एल्कोहल होना चाहिए। हाँ है ना? एल्कोहल होना चाहिए ऑक्सीडाइज करने में, द प्रोडक्ट ऑप्टेन रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, तो हमारे क्या करें, सी हो जाए। रुको एक मिनट, रुक जाओ, हमें क्या चाहिए? डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, यार दिमाग खाली। इट इज गोइंग टू बी योर सी। हाँ है ना? बोलो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारा ए है दैट विल गिव अ एल्डिहाइड। हाँ है ना? एल्डिहाइड है, एंड द एल्डिहाइड्स गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। हाँ है ना बच्चों? तो व्हाट वी नीड इज कि ऑक्सीडेशन होने पे तुम्हारा कीटोन बनाए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहाँ तक? फिर से देखो इस क्वेश्चन को, मैंने भी एकदम जल्दी में नहीं पढ़ा था। डी तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, ठीक है? डी को हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसने कह रखा है। अच्छा देखो गाइस, एक एक करके बताता हूँ मैं तुम्हें। इसने कहा जो प्रोडक्ट ऑप्टेंड है आफ्टर ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। हाँ है ना? डी को अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो वो एसिड बनाएगा। एसिड फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता। तो बेसिकली हमारा डी आउट क्यों हो गया? ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा लेकिन वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब गाइस ए बी सी, बी ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो बी भी आउट, वो तो K2CO7 के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। बचा ए और सी, हम कहेंगे इनको ऑक्सीडाइज करने पे ए से एल्डिहाइड बनता है, बी से सॉरी सी से कीटोन बनता है। तो हम कहेंगे ए जो है वो एल्डिहाइड तुम्हारा सिल्वर मिरर टेस्ट दे मारेगा, सी नहीं देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि वो कीटोन बना रहा है। तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। गाइस समझ में आई ये चीज या नहीं आई? आई हैव टू रिपीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का 27 से ए एसिड में नहीं है। हां बेटा सर, ऑक्सीडाइज करने पे, सॉरी माय मिस्टेक, ए तुम्हारा वैसे भी एसिड बना देगा। ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम एल्डिहाइड में जाएंगे नहीं, हम सीधा एसिड बनाएंगे। करेक्ट, यू आर करेक्ट। ठीक है, तो इन एनी केस तुम्हारा आंसर फिर सी आएगा। मतलब मैं उसे एल्डिहाइड में करके ये बता रहा था कि एल्डिहाइड से तुम्हारा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, लेकिन वो ऑलरेडी एसिड में जाएगा। करेक्ट, ठीक है, गुड, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। किसी बच्चों को डाउट है अभी जो बात हुई है उसके बीच में? बच्चों बोलो क्या कहा, किस बच्चे ने कहा था सर? यस सर, नो सर, डाउट है नहीं है? नहीं, नहीं, ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते, ठीक है ना गाइस? हमें LiLH4 दिया, क्या बनाएगा बच्चों? CH2OH बनाएगा, CH3CH2OH। कॉपर हीट करोगे CH3CHO बनाएगा, उसके अंदर डाइल्यूट NaOH करोगे एल्डोल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा लेकिन ऑक्साइन दे रहा है, इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट अगर ये नहीं दे रहा और ऑक्साइन दे रहा है तो बेटा बी तो आउट हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देना चाहिए। सी और डी इसलिए आउट हो गए क्योंकि ये ऑक्साइन नहीं देंगे, ऑक्साइन इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। तो तुम्हारा आंसर आ गया ए, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, 14 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। बनता है नहीं बनता है, इनोलेट आए ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ बच्चों, 15 इज नाइस। डाउट भी है बेटा, COET का COH बनेगा पहले स्टेप में, आए ना? और तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा? हम कहेंगे बीटा कीटो एसिड है तो कार्बोक्स मतलब डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। तो बी, डू यू रियलाइज इज गोइंग टू बी दिस? बताओ मुझे, आई मीन यहाँ पे तो COS था ना, COS तो पूरा उड़ गया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज दिस बच्चों। हाँ है ना? बोलो गाइस, इजी समझ आई नहीं आई? अब हम इसका कर रहे हैं एल्डोल।
राइट गाइस, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, एन न्यू एच का मतलब हो गया एल्डोल। अब गाइस एल्डोल से इसमें तुम कहोगे सर दो प्रोड बननी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ दो प्रोड बननी चाहिए। एक प्रोड तो क्या बनेगा, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ऐसे 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इट इज कन्वीनियंट टू मेक इट लाइक दिस, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड। इसका उड़ा है, इस यहाँ से दो हाइड्रोजन उड़ा दिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो क्या बनेगा सर? हीट नहीं दिया ना बेटा सर, हमें, हीट नहीं, अच्छा हीट नहीं दे रखा, वेट होल्ड ऑन, OH CH2 सी डबल बॉन्ड हो C2H5, एक तो ये बनेगा, हाँ है ना बच्चों, ये हमने कहाँ से उड़ाया है, हाइड्रोजन यहाँ से उड़ाया और अटैक करवा दिया एक और मॉलिक्यूल पे, हाँ है ना बच्चों। और दूसरा केस क्या बनता हमारा, इन दैट केस इसने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया होता, हाँ है ना बच्चों। तो इन दैट केस ये बनेगा, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बोलो गाइस, बच्चों बताओ। अब ये दोनों ही प्रोड बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उन्होंने एक ही प्रोड दे रखा है इन द ऑप्शंस, कौन सा प्रोड दे रखा है गाइस, ये वाला है ये वाला, ऑब्जर्व केयरफुली एंड गिव मी द आंसर। अगर दो होते तो हमने दोनों बना दिए होते, मतलब दो नीचे वाला दे रखा है एज ऑप्शन, ऑप्शन डी। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, रेड भी ये तो स्टैंडर्ड है, कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। हमें कह रखा है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, अच्छा तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, उसके साथ रिएक्ट करोगे, एल्डिहाइड है तो यार हमारा केस ही खत्म हो गया, CH3 CH2 CHO बनेगा, हाँ है ना, बोलो गाइस। अब इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं NH2 सी डबल बॉन्ड हो NH NH2 के बाद, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ यहाँ से ऑक्सीजन हटाओ एंड क्लब देम टुगेदर, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, बोलो समझे या नहीं समझे, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, एसीटोन टू एसिडिक एसिड कैसे करोगे, एक कार्बन हटा रहे हैं हम, यू कैन अंडरस्टैंड, इसमें हम आयोडो फॉर्म कर देते हैं। अब तुम कहोगे सर वो तो एसिडिक एसिड नहीं, वो तो उसका सॉल्ट बनाएगा, यार बाद में एसिडिफिकेशन भी कर दी होगी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, लिखा भी हुआ है NaOH I2 और उसके बाद में H+, क्लियर है गाइस, फील सही या नहीं? यस गुड, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं गाइस, 19 तो तुमने शायद करा हुआ है, ये कौन सी रिएक्शन कोई बताएगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 19 एनीवन, वेरी नाइस, हाँ वो बहुत सारे नाम आ रहे थे है ना, ये मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, पर के नहीं शायद, ठीक है ना, आइडिया याद है या नहीं याद है बच्चों, क्या हम जिसका एनहाइड्रेट जिस एसिड का एनहाइड्रेट ले रहे हैं उसी का हम सॉल्ट उठा रहे होते हैं बच्चों। यहाँ पे एक काम की चीज, मैंने तुम्हें इसका मैकेनिज्म नहीं करवाया था, मैंने बस सीधा क्या कह दिया था कि तुम एसिड मानो और फिर तुम कर डालो एल्डोल, हाँ है ना, तो हमने क्या कहा था गाइस ध्यान से देखो, मैं एग्जैक्टली वही नहीं ले रहा, CHO ले लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए, और मैं लेता हूँ CH3CO2O, हमने लिया है CH3CONA। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था गाइस, ट्रीट इट एज एसिड एंड डू एल्डोल, लेकिन आइडिया क्या होता है, पहले तुम्हारा यहाँ पे मतलब इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, हीट होगा ही होगा, H+ तुम्हें दे देंगे अगर हमें उसका वो बनाना है, क्या अभी बताता हूँ, ये है यहाँ पे पहले मैं एनहाइड्राइड बना दूँ बड़ा सा, उसको मैं मिटा दूंगा बाद में, ये हमारा एनहाइड्राइड है, हम क्या कहेंगे इसमें से हाइड्रोजन हट गया ये बन गया, इसने CHO पे अटैक कर दिया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, तुम्हारा बेसिकली क्या बनेगा, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है गाइस, पहले स्टेप में ये होगा, उसके बाद तुम्हारा OH हटा यहाँ से H हटा यहाँ से डबल बॉन्ड बना, एसिडिफाई करने पे ये बनेगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है गाइस, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अटैक,
से तुम ऐसे मान के चलो कि यहां से एक एसिड बनेगा और यहां से एक एसिड बनेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट दैट इज द स्टेप जब तुमने HCO प्लस डाल दिया है। जब तक HCO प्लस नहीं डालोगे तब तक हमारे पास ये स्ट्रक्चर पड़ा रह जाएगा, क्लियर है बच्चों? इन एनी केस इस मैकेनिज्म की मुझे नहीं लगता कोई खास जरूरत है तुम्हें, बट स्टिल बता दिया मैंने कि एनहाइड्राइड जो है उसी के साथ अटैक हो रहा होता है, आफ्टर दैट यू गेट योर एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाँ क्वेश्चन तो हो ही गया उसके बिना, करेक्ट, समझ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 में तो कोई डाउट नहीं आया होगा, नो इसमें बस याद रखना पड़ता है कि किस साइड से बॉन्ड टूट रहा है। जैसे हमारे पास, मैं एक बार लिख देता हूँ, हमें क्या दे रखा है, 3-hydroxybutanol, hold on, अरे यार CCCCHOOH, ठीक है गाइस, ये हमारे पास है, हमें पूछा गया क्या करोगे गाइस, तुम्हें याद है या नहीं याद है? मैंने कहा था ये अल्फा ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल में हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे हाइड्रोजन उड़ाओ और यहाँ पे OH मान लो, दो OH से यू विल गेट योर कीटोन या एल्डिहाइड कार्बोनिल जो भी है हमारा। तुम्हारा इसमें तुम रियलाइज करोगे कि यू मस्ट बी हैविंग CH3CHO ऑन बोथ मॉलिक्यूल शुड बी CH3CHO, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, यस ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, लुकस नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग्स सॉल्यूशन, कौन नहीं करेगा गाइस, जिसमें तुम्हारा कीटोन है, हाँ है ना? बी करेक्ट सर, ए करेगा, रुको, हाँ बेटा तुम्हें याद है HCOH का मैंने बताया था कि तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, बोलो। अच्छा ठीक है सर, यस ठीक है ना, गुड। नेक्स्ट तुम्हारा क्रॉस एल्डोल होगी, जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बच्चों, क्लीजेंट्समिट, हाँ है ना? बताओ गाइस, बच्चों को याद है या नहीं है? मैं करवा देता हूँ, इन एनी केस ये ले रखा है और हमने एसीटो फिनोल ले रखा है, यहां से हो गए, यहां से दो एच गए, डबल बॉन्ड बना दिया, हाँ है ना? हीट दे रखा है, नहीं दे रखा है, मैंने देखा ही नहीं, वैसे भी इन एनी केस हम हीट दे रखा है ना, बस खत्म गाइस, हो गया नहीं हो गया, बोलो। यस ओके 24 तो रिएक्शन याद हो जानी चाहिए, है ना? अच्छा बड़ी स्पेशल रिएक्शन थी। 25th कौन सी रिएक्शन है गाइस, कोई बताएगा मुझे? कितनों का डाउट है ये? स्टैंडर्ड रिएक्शन थी अगर तुम्हें याद हो, इसको हम कैंडिडाटो टाइप सोचते हैं, एक बार ऑक्सीडाइज किया, एक बार रिड्यूस किया और फिर एस्टर बना दिया, है ना बच्चों? गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ है ना? यस गुड। 26 पे आते हैं, ठीक है गाइस, जब भी मैं की भेजता हूँ उसे चेक कर लिया करो, कई बार तुम रियलाइज करोगे अच्छा हमने सही, हमें तो लग रहा था सही है लेकिन इट वॉज इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हमें दे रखा है कि 26 में इट इज एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा इसका मतलब है तुम यहाँ से देख सकते हो गाइस आसानी से कि तुम्हारा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, हाँ है ना? भाई जब दो सी एल की जगह दो ओ एच लगाओगे तो तुम्हारा वाटर बाहर निकल के यू विल गेट कार्बोनिल, हाँ है ना? बोलो गाइस, कार्बोनिल yes. बनेगा और अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, राइट? क्वेश्चन नंबर 27 बताओ गाइस, ये कौन सा है, पहली रिएक्शन कौन सी है, किसी को याद आ रही है? कीटोन के अंदर परोक्सी एसिड दे मारी तुमने, बेयर विलिगर, वही था ना गाइस जो हमने ऑक्सीडेशन में किया yes, था, राइट? तो कौन सी तरफ का बॉन्ड उखड़ेगा, मतलब वो कहाँ पे आएगा, C और CH3 के बीच में या C और C2H5 के बीच में? हाँ बेटा राइट सर, हाँ लेफ्ट साइड में आएगा, C2H5 और C के बीच में आएगा बेटा, तुम्हें याद है जो माइग्रेट कर रहा होता था वो जाता था अदर साइड पे, हाँ है ना सर? तो स्मॉलर आयरन आयन के साइड पे लगता ना था बेटा, वो पॉप ऑफ रूल था, वो तब था जब हम कीटोन के अंदर स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते थे और उसमें तो तुम्हारा एसिड बनती थी, दो तुम्हें याद हो तो,
मैं करवाता हूँ, बेटर फील आएगी। सी एच थ्री, ये कौन सा क्वेश्चन, 27 ही है ना, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अगर इसके अंदर में क्या करना होता बच्चों, से हमने हॉट एसिडी के टू सी आर डो सेवन डाल दिया होता, हॉट के टू सी आर डो सेवन, तो क्या बनता, सी एच थ्री सी ओ एच एंड सी एच थ्री सी ओ एच। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब याद आ रहा है कुछ? यस, ये तुम्हारा तुम रिलेट कर रहे हो उसके बाद, वो जो तुम्हारा हॉट के टू सी आर डो सेवन था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री, वो हम यूज करते थे पॉप ऑफ रूल जो था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बियर विलेगर, उसमें हमारा तुम्हें याद होगा बहुत गंदा मैकेनिज्म था, हमने डिस्कस भी किया था। क्रक्स मैंने क्या बताया था कि तुम्हारा ये हटेगा, मतलब जो प्रायोरिटी था एच ग्रेटर देन पी एच ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन सी एस सी, माइग्रेटिंग टेंडेंसी। और माइग्रेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से हम क्या कहते थे कि उसके और सी ओ के बीच में बॉन्ड लगता है, तो ये बेसिकली सी एस सी आई, ये सी टू एच फाइव डर है, ये 1 डिग्री है, ये सी एस सी है, तो बेसिकली ओ इनके बीच में लग जाएगा। बच्चों बोलो हाँ या ना, यस, क्लियर हो गया? तो आंसर क्या होगा बेटा, भाई पहले हमने एस्टर बना दिया, एस्टर का बाद में हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब यू विल गेट एसिड एंड एल्कोहल, हाँ है ना, बोलो। मतलब जो तुम्हारा एसिड बन रहा है वो ये बन रहा है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एस्टर जो है, सॉरी एस्टर जो है वो तुम्हारा ये बन रहा है, हाँ है ना, यस, वो यहाँ पे लग गया। अब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा ओ एच बनेगा और यहाँ पे एच लगेगा, यू विल हैव योर सी एच सी सी ओ एच एंड सी टू एच फाइव ओ एच, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। और ना बेटा क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यस सर, क्लियर, पक्का? यस, ओके। 28 पे आते हैं, इसमें दोबारा कई करेक्ट आएंगे बेटा, स्पेलिंग देगा देगा, क्योंकि वो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, सी एस सी सी एच ओ कर देता है, 2,4-DNP दोनों करेंगे तो नहीं चलेगा। डाई इथाइल अमीन, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डाई इथाइल अमीन को देखो जरा, इट इज सर इनामाइन, इनामाइन, वेरी नाइस। तो इनामाइन कौन देगा, सी एस सी सी एच ओ देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट? और के सी एन इन इथेनॉल, ये कौन सी रिएक्शन है, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, मैंने बताया था कि इसका जो रिएजेंट है वो याद नहीं होता। बेंजल्डिहाइड विद के सी एन इथेनॉल इज बेंजोइन कंडेंसेशन, रिमेंबर दैट गाइस। बच्चों को याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? यस, तो तुम्हारा बेंजल्डिहाइड रिएक्शन दे देगा टू गिव अस बेंजोइन, जबकि तुम्हारा एसिटल्डिहाइड नहीं देगा। मैंने तुम्हें बताया था गाइस ये रिएजेंट याद नहीं होता, टेस्ट में हिट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी आई होगी, बोलो गाइस, बताओ बच्चों। इसमें बस एक काम की चीज क्या थी कि HCOH को ये कर देता है ऑक्सीडाइज टू CO2, रिमेंबर दैट, ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, नहीं बना है, ऑन एक्शन ऑफ NaOH, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब हो गया एल्डोल, हाँ या ना? अब एल्डोल कौन देगा, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, हाँ या ना, बोलो गाइस, गुड। 31 पे आते हैं बच्चों, गाइस हमें एसीटोन दे रखा है, एसीटोन के अंदर अगर तुम वो करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा गाइस, मेसिटाइल ऑक्साइड, हाँ है ना, ये बनेगा, बोलो बच्चों, हाँ। अब हम इसमें डालेंगे क्या, NaOH I2, तो गाइस ये हमारा मिथाइल कीटोन ठहरा, ये हमारा ये बना देगा,
सीओ माइनस बना देगा, एसिडिफाई कर दिया हमने, कर दिया ठीक है गाइस। और हमारा क्या बना रहा होगा, सी एच आई थ्री भी बना रहा होगा, बट वी डोंट केयर ठीक है ना। ये बन गया, अब हमने इसमें केमनो फोर एच प्लस डाल दिया गाइस, क्या करेगा ये, हम कहेंगे बॉन्ड तोड़ दो और इसको भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे ले आओ, इसको भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे। तो क्या बनाएगा ये, एक तो ये एसीडोन बना देगा हाँ है ना, और yes. इसका क्या कर देगा, इस सी एच का इसको सी ओ एच में कर देगा हाँ है ना। पहले हम इसको सी एच ओ सी ओ एच बनाएंगे, फिर हम कहेंगे सी एच ओ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सी ओ एच, सो यू विल हैव ऑक्सैलिक एसिड एज द प्रोडक्ट, हाँ या ना। ओके तो आई थिंक योर आंसर इज गोइंग टू बी टू एंड थ्री, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, गाइस अब तुम रियलाइज करोगे क्वेश्चन थोड़े टफ होते आएंगे। NaOH प्लस क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे, मैंने तुम्हें करवा रखा है हैलाइट, क्या ये तुम्हारा आयोडो फॉर्म है बच्चों, NaOH I2 इज नथिंग बट NaOI सोडियम हाइपो, बताओ गाइस बच्चों, यस तो NaOI इज नथिंग बट आयोडो फॉर्म NaOH I2, क्लियर और नॉट गाइस, बच्चों बताओ। तो आयोडो फॉर्म किया, हीट किया, उसके बाद ये बना गाइस, चार ऑप्शन देखनी पड़ेंगे तुम्हें, उसके बिना नहीं कर पाओगे। पहले वालों में तुम्हारा सी एस टू सी एच बनेगा ए में, नीचे देखो सी एस टू सी ओ सी एच सीधा, जब आयोडो फॉर्म करोगे यू विल हैव सी एस टू सी ओ एच। अब गाइस हीट हमें पता है, ये हीट कौन सी की बात कर रहा होगा, ये बंदा बीटा कीटो एसिड बनाना चाह रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो हाँ है ना, उसमें से जब हीट कर दो तो CO2 बाहर निकलता है, राइट और रॉन्ग गाइस बोलो भाई, यस जो बी से प्रोडक्ट है उसमें तुम्हारा CO2 एलिमिनेट हो रहा है बच्चों। अब गाइस ए में यू हैव गॉट सी एस टू सी ओ एच, डू यू रियलाइज इट इज गामा कीटो एसिड हाँ है ना, ट्राई टू विजुलाइज इट बच्चों, ए में जो एसिड बन रहा है CO सी एस थ्री का सी ओ एच बनाया, उस पे अगर तुम कीटो की पोजिशन देखो इट इज गामा कीटो हाँ है ना। बी में देखो अगेन सी एस टू सी ओ एच है, यहाँ पे तो डेल्टा आ गया हाँ है ना। सी पे आओ, सी में देखो गाइस पहले सी ओ सी एस टी का सी ओ एच बना, और उसके बाद हम कहेंगे जो कीटो ग्रुप है दैट इज एट बीटा पोजिशन, तो सी ओ टू बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों सी में। Yes. और इन फैक्ट अगर तुम डी को देखो तो डी में भी यही बनेगा, पहले सी ओ एच बनेगा बीटा पोजिशन पे कीटो है, सीओ टू उड़ेगा एंड यू विल अगेन गेट द प्रोडक्ट, यू विल गेट द आंसर इज सी एंड डी बोथ, बोलो गाइस सिंगल तो कौन सा, हाँ बेटा सर अगर सिंगल करेक्ट हुआ तो दोनों ही करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है दोनों, मल्टीपल करेक्ट है मतलब इनमें कोई वो नहीं है कि कौन सा ज्यादा करेगा, दोनों ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, 33 में कोई प्रोडक्ट बताएगा मुझे, स्टैंडर्ड रिएक्शन थी मैंने कहा था याद करने की है सर, फोरॉन, हाँ फोरॉन ड्राई एचसीएल से बनता था, इससे तुम्हारा मेसिटाइलिन बनेगा था, याद आया वो ड्राई एचसीएल लेके मारते थे हम, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड एसिड हो रहे मेसिटाइलिन बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड करेक्ट, सी एच सी को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो सी ओ एच में जाएगा। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन करवा सकता है, मिथाइल ग्रुप पे करवाओगे तो फ्री रेडिकल ठहरी, बेंजीन पे करवाओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठहरी, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी ए बी सी हाँ है ना बच्चों। नेक्स्ट पे आते गाइस 34, यार फैक्ट टू लर्न है, एक चीज समझो, कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, जो इनोलेट आयन बना वो तुम्हारा अटैक कर रहा होता है एल्डिहाइड पे, इट इज अ एडिशन रिएक्शन हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, कैनिजारो एंड एल्डोल आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाँ, हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ठीक है गाइस, कैनिजारो में तुम्हारा OH- अटैक करता है, एडिशन होता है मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, और एल्डोल कंडेंसेशन में भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल दैट इनोल इनोलेट आयन इज द वन दैट अटैक हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे। 35 पे आते बच्चों, 35 को देखो गाइस, हमें दे रखा है एच सी एच ओ एन सी एस थ्री सी एच ओ, गाइस ये तो तुम्हें प्रॉड याद हो जाना चाहिए, बोलो गाइस, ये हमारा
एक तरीके से बीच वाला प्लॉट है। अभी अभी हमने कैनिजारो नहीं किया है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? चार दिए होते तो हमने कैनिजारो दे मारा होता, मतलब फाइनल स्टेप। अभी तो ए फॉर्म, ये ए है बच्चों, क्या है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, कर यस जाएगा सी एच ओ सी ओ माइनस में चला जाएगा। कैनिजारो शो कर सकता है, ये कर सकता है, एन ए के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये सोच के बताओ करेगा, क्योंकि एल्कोहल है, एल्कोहल रिएक्ट विद एन ए, हाँ है ना बच्चों? सर। और ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब है गाइस सी आर थ्री प्लस का कलर ग्रीन होता है। डी एन एफ ब्लॉक पढ़ा है ना तुमने, समझ ग्रीन कलर याद है नहीं याद है? तो ग्रीन कलर का मतलब है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस रिड्यूस होना चाहिए, मतलब ये बंदा ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ये ऑक्सीडाइज हो सकता है नहीं हो सकता जो मैंने बनाया है, हो सकता है ना? तो बेसिकली डी भी देगा, सी आर टू ओ सेवन टू माइनस विच इज ऑरेंज इन कलर, इट विल गेट कन्वर्टेड टू सी आर थ्री प्लस विच इज ग्रीन एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट, हाँ है ना बच्चों? तो मेरे ख्याल से सारी करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते गाइस, नेक्स्ट तो प्रॉड बन जाएगा, हाँ है ना? बोलो गाइस, यस राइट गुड। तुम्हारा प्रॉड क्या बनेगा बाय द वे? ए एंड सी, हाँ है ना? बोलो गाइस, कैनिजारो रिएक्शन होगी ना? अब तो बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। ओके 37 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। एस सी ओ टू क्या करता है बच्चों? सर अल्फा मिथाइलिन ग्रुप को ऑक्सीडाइज। हाँ, या मिथाइल को, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मिल जाए, ये बन जाएगा बच्चों। अब एक्स टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, बताओ? यस कर देगा। आयोडो फॉर्म दे सकता है? सर। नो सर। नहीं। ऑक्साइम, डाई ऑक्साइम बना सकता है, ऑक्साइम याद है एनओ है, बना देगा डाई, क्योंकि दो कार्बोनिल यस ग्रुप्स हैं तो डाई ऑक्साइम बना देगा। कैनिजारो भी देगा, कैनिजारो में याद है बच्चों कौन सा ऑक्सीडाइज होता था, लेफ्ट वाला या राइट वाला? ऑक्सीडाइज राइट वाला, आई मीन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, हमने ये बनाया था। 38 पे आते हैं बच्चों। गाइस NaOH Br2 क्या करेगा बच्चों? ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, NaOBr अगर मैं लिख देता तो यू कैन गेट द आइडिया, हाँ है ना? ये बनेगा COO माइनस, H प्लस दे दिया तो COH कर दूं, और यहाँ पे CH3। अब हीट कर दिया, क्या होगा बच्चों? बीटा कीटो, हाँ एसिड, CO2 हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों तुम्हें। एल्डोल कर रहे हैं गाइस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO लिया, एक और हमने मॉलिक्यूल लिया इसका, यहाँ से दो हाइड्रोजन गए, यहाँ से ऑक्सीजन गया, एंड यू क्लब देम अप, हीट दे रखा है ना बच्चों, समझ गए? क्लियर है गाइस? 40 पे आ जाओ बच्चों। 40 कौन सी रिएक्शन है, कोई बताएगा मुझे? बच्चे सर याद नहीं, सर भाई बेंजोइन। बेंजोइन, वेरी नाइस, KCNEDOH, मेरे को लग रहा था बच्चे भूल गए होंगे। रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट मतलब हमें पता है, ये तो हमने केस ही किया था, देगा ऑक्साइन बनाएगा, पीसीसी से ऑक्सीडाइज होगा, हाँ ये बेंजील बना देगा, एंड रिएक्ट्स विद 2,4-DNP, हाँ इट इज गोइंग टू बी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी करेक्ट। आगे चलते हैं, SCO2 किया, उसके बाद हमने आई सेकेंड रिएक्शन क्या रही होगी बच्चों, बताओ? बोलो गाइस, व्हाट वुड बी द सेकेंड रिएक्शन? सी डबल बॉन्ड हो, सी एच ओ बना होगा, हाँ है ना? पहले स्टेप में। अच्छा अब तुम कैनिजारो, कैनिजारो ये सब कहने। अभी तो बनाया था हमने, ये बना देगा, एसिडिफाई कर दिया तो ये बन गया, दिख रहा है बच्चों? एच प्लस डाला है, मतलब उन्हें कमाल कर दिया, ए और सी में बच्चा जल्दी में पक्का ए टिक करके आ जाएगा, एच प्लस डालने का मतलब है सी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
राइट। अच्छा गाइस, यहाँ मैंने एक बड़ी विकट समस्या है यार, डी क्यों नहीं किया? मतलब इवन आई डोंट हैव आंसर फॉर दैट, व्हाई डिडंट वी गो फॉर डी? बताओ गाइस, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सी से डी तुम्हारा वही होता है। या तो क्या करना चाहिए था, एच प्लस के बाद एच प्लस ओ फोर डाल देते, एच प्लस ओ फोर डाल देते तो हम सी से किस पे चले आते बच्चों? डी पे। समझ गए ऑनलाइन वाले बच्चों? समझ गए ना, लेफ्ट राइट तुम्हारा 42 पे आते बच्चों। गाइस ऑब्वियसली बात है, प्लॉट हटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 43 में कितने बच्चों को डाउट है, क्लास में करवाया हुआ है कि अगर हम ब्यूटेन 2 ओन उठाएंगे और हाँ छेदा करें इसके दो सेल्फ, इसका एक सेल्फ, हाँ है ना, तीन सेल्फ बनेंगे और हमारे तीन क्रॉस बनेंगे। बच्चों फिर से करवाने की जरूरत नहीं ना, करवा रखा है उस वक्त। 44 पे आते हैं बच्चों, OCZnS2। अच्छा जी, वी रेजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, अच्छा, और बी का बी से सिर्फ आर बनता है। मतलब एक काम करो, ए से पी क्यू अभी भूल जाओ, भाड़ में गया ए से पी क्यू, बी पे ध्यान दो, द कंपाउंड रेजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। और बी से आर जो है वो तुम्हारा क्या है बच्चों, आर की चार ऑप्शन दे रखी है। क्वेश्चन लग रहा होता है टफ, सही बताओ। अब बच्चों काम की चीज क्या है यार, बी से आर बना, आर तुम्हें इतना दिख रहा है ऑप्शन दे के, ये तुम्हारा कौन सी रिएक्शन है बी से आर वाली, कैनिज आर या एल्डोल, ये बताओ मुझे। एल्डोल, एल्डोल। अब बच्चों हमें एल्डोल में फटाफट क्या करना है, उससे बी पे जाना है, मतलब रिवर्स में जा रहे हैं। मैंने तुम्हें कई बार बताया है जो तुम्हारा मतलब सपोजिंग यू हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, एग्जांपल के तौर पे डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, ये है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगाओ, हाँ है ना। यस सर। अब मुझे बताओ, उसने कहा है बी रेजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब बी कीटोन रहा होगा, इतना क्लियर है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता। ओजोनोलिसिस करा है, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस पे ए और बी बना, बी अगर ऑक्सीडेशन रेजिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये बंदा कीटोन है। अब मुझे बताओ ए बी सी में से कौन सा गधा कीटोन बना रहा होगा, और ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके सोचो जैसे मैंने अभी डायग्राम में बना रखा, इट इज गोइंग टू बी बी, करेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बोला, बी को देखो फटाफट विजुलाइज हो जाना चाहिए चीज, क्या ये हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे फटाफट ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, सॉरी ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे के मारेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बनाएंगे। डू यू रियलाइज दोनों ही कीटोन है, बोलो गाइस, जो बोल ही नहीं रहे मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो। यस सर। आ गया, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव एज द बी, राइट। अगर ये बी है तो मतलब बी से तो आंसर ही हो गया। अब एक काम करते हैं 45 पे आते हैं। अच्छा गाइस, इसका मतलब तुम्हारा ए क्या रहा होगा? गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसे खोल के लिख देता हूँ, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया ना, इसको मैं खोल के लिखता हूँ, हमारे पास क्या बनेगा, सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ। ये हमारा है। अब गाइस हमें क्या दे रखा है, सी एट एच फोर्टीन, यार पहले एक चीज देखो, ये तुम्हारा क्या है, इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे फटाफट देख के? मतलब 8H16 होना चाहिए था ना गाइस, सॉरी 18 एल्केन के लिए। अब गाइस 18 का हमने 16-14 कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब आइदर यू अप्लाई द फॉर्मूला और यू जस्ट लुक के एल्केन में से तुमने कितने हाइड्रोजन हटाए, तुमने चार हटाए, इसका मतलब तुम कहां पे पहुंच गए, दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल तो सोचेंगे नहीं, हम जाएंगे डबल बॉन्ड पे। दो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे दोनों क्या रहे होंगे, सी एच टू, और इससे तुम्हें पता चल जाएगा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या रहा होगा तुम्हारा,
ऑक्सी वो ओजोनलिसिस करने पे, रिएक्टिव ओजोनलिसिस करने पे HCHO, रिएक्टिव ओजोनलिसिस क्या, एक तो ये प्रोडक्ट बना और दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बना, दो मॉलिक्यूल ऑफ HCHO, जिसका जब तुमने ए से पी और क्यू बनाया वो पक्का क्या रहा होगा बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? यस। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। एक और चीज बच्चों, बाय चांस यहां पे सी एट वो होता क्या, सी एट एच ट्वेल्व होता तो क्या सोचते हम, तो क्या हम ये सोच सकते थे बच्चों? जस्ट आस्किंग यू गाइज, इसके बारे में तुम लोगों का क्या कहना है, क्योंकि इन दैट केस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आती है बच्चों बताओ मुझे? सर वन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे थ्री हो जाती, वन टू एंड रिंग, क्लियर ऑन नॉट गाइज? बच्चों बताओ, अगर तुम्हारे पास सी एट एच ट्वेल्व होता तो वी वुड हैव गॉन फॉर अ साइक्लिक प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट, हाँ है ना गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों से यस और नो, के नहीं समझ आया? आया अभी हमारे को पता था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दो है, इसलिए हमने दो डबल बॉन्ड बना दिए। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तीन होता तो हम इसके लिए जा रहे होते, साइक्लिक के लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तीन में यहाँ पे जा रहे होते। गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार फिर से बोल दो, हाँ सर समझ में आ गया? यस गुड। तो वो विजुलाइज करना पड़ता है, इट कम्स विद प्रैक्टिस, एज सिंपल एज दैट। अब हमें क्या दे रखा है, आर, यार आर क्या था हमारा, ये था आर, ठीक है जस्ट अ सेक, पेन तो सही है ना मेरा, हाँ आर हमारा था ये, ये था, इसका हमने कौन सा ओजोनोलिसिस किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अच्छा बच्चों, ए से मैंने पी और क्यू बता दिया था ना, कैनिजारो है तुम्हारा, राइट, एनीवे ये था इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो ये तोड़ो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, यहाँ पे नीचे वाले पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? तुम्हारा जो प्रोड बनेगा इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, लेट मी नंबर इट सो इट बिकम्स क्लियर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, हाँ बेटा सी बनेगा, क्योंकि अब हम करेंगे, अब इसमें ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा आर का ओजोनलिसिस करने पे जो प्रोडक्ट बना वो था, अब इसमें अगर हम एनिवेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, हम कहेंगे भाई एल्डिहाइड पे अटैक करवाओ और इससे या इससे अटैक करो, डिपेंडिंग अपॉन द रिंग, कितने की रिंग बन रही है, यहाँ से सिक्स की रिंग बनेगी, हाँ है ना बच्चों? तो ये करवा दोगे तो लेट मी जॉइन दिस टू, यहाँ से दो हाइड्रोजन उड़े हैं, यहाँ से ओ उड़ा है, क्लियर और नॉट गाइस? लेट दिस बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन और सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड, टू पे सी डबल बॉन्ड हो, फाइव पे सी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों बताओ? बोलो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट, ऑप्शन सी बच्चों। यस राइट, गुड। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं गाइस, 46 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्या कहना है तुम्हारा, करेक्ट है नहीं करेक्ट है 46 बच्चों बताओ? और सेकंड करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट है, इवन सीबी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, हाँ है ना? गुड। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये? नहीं, तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट करो गाइस, अगेन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड डज नॉट एक्सप्लेन। 48 के बारे में क्या है बच्चों तुम्हारा ख्याल, बोलो बच्चों? स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इट इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 49 पे आओ बच्चों, हमें कह रखा है पेंटेन 2,4 डायोन, अच्छा जी, ये हमारा है
साइक्लिक इमीन बनाएगा नहीं बनाएगा हाइड्राजीन के साथ, शायद हमने ये रिएक्शन करी भी हुई है। यस सर। यहाँ से दो हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से ओ हो जाएगा एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, पांच की गेटिंग अ फील ऑफ दिस प्रोडक्ट। यस बोलो गाइस, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। यही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था क्या हमने क्लास में? एनीवे मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, सो इट विल फॉर्म अ साइक्लिक इमीन बन गया। इनॉल फॉर्म इज हाईली स्टेबल ऑफ दिस, बिल्कुल हाँ है ना बच्चों, बीटा डाई कीटोन है तो इट इज स्टेबल, हाँ है ना, नहीं देगा टॉलिन टेस्ट नहीं देगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन आयन इज प्रीटी मच स्टेबलाइज्ड, हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस। यस ओके गुड, आगे चलते हैं। विच विल शो एसिड बेस रिएक्शन विद NaOH। बच्चों हमें चाहिए कि उसका हाइड्रोजन एसिडिक हो, फर्स्ट नहीं होगा बी होगा, होगा क्योंकि उसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ गया राइट, वहां से हाइड्रोजन हटते ही राइट वाला जो पीक है, मतलब पीक इन द सेंस जो वो है, वो वाला हाइड्रोजन लूज कर जाएगा, हाँ है ना बच्चों। yes. सी भी करेगा वो एसिड है, डी भी करेगा क्योंकि इसकी इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस, जो हम एल्डोल में कर रहे होते थे वहां पे भी तो OH- हाइड्रोजन लेके जाता था, तो योर डी आल्सो इज गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट समथिंग इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या ना। सर कौन सा हाइड्रोजन होगा एसिड बेटा, एक मिनट जाओ, 50 ये हाइड्रोजन एसिड है क्योंकि जब हम एल्डोल करते हैं तो करते ही तो ये हैं, OH- हाइड्रोजन लेके जाता है यहाँ वाला, समझ गए। यस। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं बच्चों। गाइस H2CrO4 कर देगा, बिल्कुल कर देगा, अमोनिकल एजेंट NO3 जो कि तुम्हारा टॉलेंस है वो भी दे देगा, पेलिंग भी दे देगा। ये 1% एल्कलाइन, यार ये 1% का मतलब क्या है, डाइल्यूट एल्कलाइन, द कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, वो क्या करता है बच्चों, डबल बॉन्ड तोड़, डाइल्यूट हो गया, एल्कलाइन हो गया, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो हम क्या कहेंगे ये, हाँ बेटा क्या कह रहे थे, डबल बॉन्ड हटा के OH लगा देगा। यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ बच्चों। पहला स्टेप क्या है गाइस, अब तुम मुझे बता दोगे सर, मतलब फर्स्ट शीट में डिस्कस किया था शायद, सैलिसिलिकॉइड बना, सेकंड रिएक्शन क्या है, परकिन, परकिन, वेरी नाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइस, ये परकिन है, और शायद ये क्वेश्चन करा है हमने क्लास में यार, OH ठहरा, यहाँ पे हम कहेंगे CH डबल बॉन्ड CHO था ना, तो CH डबल बॉन्ड CH COH बना देगा, हाँ है ना बच्चों, मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर एंड हीट, हाँ है ना, पहले यहाँ पे CHO रहा होगा और ये हमने एसिडिक एसिड उठा ली, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, एल्डोल कर दिया, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब एक चीज और यार, कुछ हीट वगैरह भी किया हुआ है, हम कहेंगे भाई ये काम करो, यहाँ से OH हटाओ, यहाँ से H हटाओ और साइक्लिक बना दो, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग हमने किया था, और हमने ये भी देखा था कि तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिखा था बच्चों, हमने कुछ तो देखा था सिस और ट्रांस इफ आई रिमेम्बर, कि तुम्हारी कौन सी फॉर्म देगी, यहाँ पे OH है, अगर मैं ये ले लूँ CH डबल बॉन्ड COHH, तो बच्चों ये वाला दे देगा, दूसरे वाला ना दे पाएगा, हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे बाकी वाले। यस सर आ रहा है, यस सर आ रहा है ना बच्चों, मतलब मैं इसको थोड़ी बेटर अगर मैं ऐसे बनाऊँ, मतलब एक फॉर्म दे देगी एक फॉर्म नहीं देगी, बल्कि मैंने ना इसको थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं बनाया, ये ऐसे बनेगा, जस्ट अ सेक, सी एच डबल बॉन्ड COHH, वो एक्चुअली मैंने गलत बना दिया था इसलिए, क्योंकि वहां से बनाना मुश्किल पड़ रहा था, अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सी फॉर्म देगी, सिस या ट्रांस, सिस, वहां पे बनाना वो दिक्कत पड़ रही थी एंगल पे,
इसलिए मेरे को लगा कि वो गलत बना दिया मैंने। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? इट इज अ सिस फॉर्म दैट इज गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्म इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज। हाँ है ना बच्चों? तो ये जो ए है ये तुम्हारा किसकी देन है? सिस की। और तुम रियलाइज भी कर जाते हो, प्रोडक्ट देख के तुम रियलाइज कर जाते हो कौन सी फॉर्म है। ध्यान से देखो, मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये हमने ले रखा गाइज, इस डबल बॉन्ड की पोजिशन देखो, इसमें जो दोनों ग्रुप्स हैं वो किस साइड में है? समझे नहीं समझे गाइज? यस, ये इधर है, इसका मतलब हाइड्रोजन बंदे यहां बैठे। तो दिस इज योर सिस फॉर्म दैट इज मेकिंग द प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्म में नहीं बनता। हाँ या ना? बोलो गाइज, फील आ गई? गाइज एक चीज और यार, KOH के बाद तुम्हें याद है नहीं याद है, हमने NaOH के बाद ऑर्थो ही बनाया। QH के बाद हमने कहा था पैरा इज ऑल्सो फेवर, राइट? तो गाइज व्हाट अबाउट बी ऑप्शन देन? ये तो समझ आ गया हमें, बी भी बनना चाहिए। हाँ है ना? बोलो गाइज बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों के बोलो। यस, QH के बाद। हाँ QH yes. तो गुड, नेक्स्ट पे आते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो। गाइज इसमें तुम्हारा ए बी डी तो दिख रहा है, बोलो बच्चों ए बी डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है गाइज? अरे तुम्हारे पास दो सी एच ओ ग्रुप्स हैं, क्यों नहीं होगा? सी एच ओ दिख तो रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी ट्रू, ए बी डी इज ट्रू। व्हाट अबाउट सी गाइज? ये तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन याद आ रही है नहीं आ रही है? याद आ रही है, करवाई थी मैंने, कराई नहीं या याद नहीं? मैं करवाता हूँ, मैंने कहा था वो भी एक तरीके की कैनिजारो ही है। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ये टर्म यूज करी थी या नहीं, बट इट वॉज काइंड ऑफ। मैं काम करता हूँ इसको पीएच बनाता हूँ कन्वीनियंस के लिए। ये बेंजिल है, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। yes. अब इसमें ओ एच माइनस का डायरेक्ट करवाओगे तो क्या होगा? ओ एच माइनस का डायरेक्ट इधर करवाए थे कन्वीनियंस के लिए, ओ एच बना यहाँ पे माइनस बना, करेक्ट? उसके बाद ये इधर जाएगा, पीएच बाहर निकलेगा इस पीएच माइनस, वहां पे हम क्या करते थे हाइड्राइड आयन बाहर फेंकते थे, यहाँ पे हम पीएच माइनस बाहर फेंकेंगे और ये बंदा यहाँ पे जाएगा। तो व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव पीएच सी पीएच ओ माइनस सी ओ एच, हाँ है ना? बोलो गाइस। और उसके बाद ये बंदा हाइड्रोजन लेके जाएगा टू गिव एस पीएच सी पीएच ओ एच। जस्ट अ मिनट गाइस, होल्ड ऑन। हाँ बच्चों, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ? पहले ओ एच माइनस ने अटैक किया यहाँ पे, एक तो मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे प्रोड बना दो सी ओ माइनस, मतलब बाद में ऑब्वियसली बात है हम उसका एसिडिफाई करके सी ओ एच बना देंगे, हाँ है ना? मतलब पहले सी ओ माइनस बनेगा फिर सी ओ एच बनेगा आफ्टर एच प्लस, इसको मैं अलग से करता हूँ। एंड देट इज योर बेंजिलिक एसिड। यार ये करवाया था नहीं करवाया था बच्चों? कोई कंफर्म करेगा ये करवाया है? नो सर, नहीं करवाया। मैंने बेन सर बेंजिल तक ही करवाया था। बेंजिल तक करवाया था? यस। फिर तो मैं ढंग से लिखवाता हूँ तुम्हें, रुको पहले बताना चाहिए था बेटा। एंड आई थॉट के रुको गाइस, बेंजिल तो हो गया था ना बच्चों, बेंजिल। अब इसमें हमने ओ एच माइनस डाला, ओ एच माइनस डालोगे वो इधर अटैक करेगा, तुम्हारा बनेगा पी एच, बता दिया करो गाइस के सर ने नहीं बताया है, डबल बॉन्ड ओ सी ओ माइनस पी एच ओ एच। अब ये इधर जाएगा, राइट? अब उधर हम क्या करते थे हाइड्राइड आयन को बाहर फेंक रहे होते थे, हाँ है ना? यहाँ पे पी एच इधर जाएगा, क्लियर और नॉट गाइस? बताओ सी ओ माइनस पी एच सी ओ एच, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे। और उसके बाद एच प्लस डालने पे
ये क्या है बच्चों तुम्हारा? बेंजिलिक एसिड। एल एल आना चाहिए मेरे ख्याल से। बच्चों मैकेनिज्म नोट कर लो। बोलो गाइस, बच्चों बोल एक नहीं सर रहे। लिखना है। लिख लो बेटा, नोट दैट डाउन। आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट। आइडिया इज ये भी तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो टाइप ही है। ठीक है बच्चों? सारे ऑप्शन हाँ नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूँ 54 पे। ट्रू? सब बस एक मिनट। अच्छा ओके बता देना। यस बता रहा हूँ। राइट हो गया सर। हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं बच्चों। कौन सी रिएक्शन है पहला स्टेप? बोलो गाइस, पहली रिएक्शन कौन सी है? पर परकिन। बच्चे को याद, ठीक है वही आई जा रही है। एनीवे हमारा प्रॉड बन गया, मतलब एक्स। तो एक्स हमने क्या लिया होगा बच्चों? बिजली, बीज, बीज, करेक्ट, राइट। अब हम इसमें इसमें नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 54 है ना हमारा? हाँ, यहाँ पे ओ एम ई आया, यहाँ पे सी ओ एच आया, यहाँ पे ही आया। बच्चों अब इसका हम हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर ले रहे हैं। पहली चीज गाइस ध्यान से देखो, एल्कलाइन है। एक तो क्या होता है, समस्या ये होती है कि कई बार हॉट एल्काइन दे रखा है फिर भी तुम वो सी ओ एन ए के बजाय सी ओ एच बना देते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? लेकिन अगर तुम्हें एन ए दिख रहा है तो एन ए ही मार्क करोगे। हम क्या कहेंगे गाइस, ये बॉन्ड उड़ा दो। बॉन्ड उड़ता है, आया ना? अब ये पार्ट सी ओ एच में जाएगा और ये वाला पार्ट किस में जाएगा? सी ओ एच सी ओ एच, हाँ है ना? जिसका यस बेसिकली क्या बन जाएगा? सी ओ एन ए ट्वाइस, हाँ है ना? क्योंकि तुम्हारा बेसिक मीडियम है और तुम्हारे पास इन एनी केस क्या बन जाएगा गाइस? बी सी डी में निकालते, तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, कोई दिक्कत? बच्चे बोल ही नहीं रहे गाइस। आ गया सर। आ गया। नेक्स्ट तुम्हारी कौन सी बच्चों, कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी? बोलो गाइस फटाफट, कौन सी रिएक्शन है 55 में? एल्डोल करेंगे, हाँ है ना? रिंग देखो, पांच के रिंग बनाएंगे, एल्डिहाइड पे अटैक और लेफ्ट वाले सी एच सी से इनोलेट आए, हाँ है ना बच्चों? नहीं यस समझ आया? आ गया। 56 में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी बी, इट्स गोइंग टू बी बी। चेक कर लो, 55 ना, 55 का बी इज करेक्ट। हो गया बच्चों, मतलब करवाने की जरूरत है 55? नो सर। ओके 56 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56, 56 में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। 57 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस मुझे ये बता दो कि जो तुम्हारा बेंजोइन कंडेंसेशन है उससे प्रोडक्ट क्या बनता है? भाई परकिन तुम्हें पता है, परकिन क्या है बच्चों? व्हाट डू यू गेट इन परकिन? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, नहीं बनता है? क्योंकि हीट होता ही है उसमें, तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। एल्डोल में क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, राइट? यस सर। बेंजोइन में तुम्हारा बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या था हमारा? अरे यार, मतलब बेंजोइन बताया ना तुम्हें, वो क्या है? इट इज पी एच सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ही तो है, और टिस्टेन को तो तुम्हें पता है एस्टर फॉर्मेशन कैनिजारो के थ्रू।
क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 टफ होता जाएगा आप बच्चों यहां से। 58 देखो, इसमें तुम क्या करोगे, ए में क्या फील आ रही है, कार्बन एटम काउंट करने दो मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 रिंग बन, पांच की रिंग बनेगी, हाँ है ना? यस सर, पांच की रिंग बनेगी। सी एच ओ वाली साइड पे तो अटैक होगा और सी हो गए लेफ्ट वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन उड़ेंगे, हाँ है ना? यस राइट। तो तुम्हारे पास रिंग कितने की बनेगी बच्चों, बताओ सर? पांच की, पांच की, राइट। तो वन इज नॉट करेक्ट। फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन, हाँ। फाइनल प्रोडक्ट आर्डो फॉर्म टेस्ट देगा, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो ए में तुम्हारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट कीटोन, करेक्ट। प्रोडक्ट रेस्पॉन्स टू आर्डो फॉर्म टेस्ट में निकालते कर लोगे इसे तुम, और अगर तुम्हारा ये 2,4-DNP कीटोन है तो वो देगा ही देगा। सेकेंड वाले में क्या है बच्चों, पहले तुम्हारा क्या बनेगा, ऑक्साइन, यस, और उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? बैकमैन रीअरेंजमेंट, हाउ इज द फील, बोलो गाइस। यस, एक्स से वाई, हाँ हाँ, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, करेक्ट, ठीक है। सी पे आते हैं बच्चों, सी भी तुम्हारा नॉर्मल है, इसमें तुम्हारा लेफ्ट साइड सी एच थ्री से हाइड्रोजन गए और उधर का ओ उड़ेगा, हाँ है ना? राइट हैंड साइड का जो एल्डिहाइड है, सिक्स की रिंग बनेगी, इसमें सिक्स की रिंग बनेगी, हाँ हाँ, वो भी देना चाहिए, मतलब देखना पड़ेगा मुझे उसके बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से आर्डो फॉर्म था ना, देने वाला नहीं देगा ना बेटा, क्योंकि वो तुम्हारा अंदर, इट्स इनसाइड द रिंग डबल बॉन्ड, हो बना के देखना, मेरे ख्याल से नहीं देगा, ठीक है। और डी कौन सी रिएक्शन है सर? पिनाकोल, पिनाकोल कार्बोकैटायन के साइड में बनेगा, राइट साइड, राइट साइड, और उसका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, यस सर, गुड। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं गाइस। गाइस पहली चीज यार, ये बड़ा तकलीफ दे, प्रश्न ब्लू कलर किसी को याद है कब आता है? गाइस तुमने वो, होल्ड ऑन मैं एक बार पहले वीडियो पॉज करता हूँ। हाँ बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, गाइस प्रश्न ब्लू कलर आता है तुम्हारा नाइट्रोजन की प्रेजेंस से, नाइट्रोजन एंड कार्बन बोथ, ठीक है गाइस, राइट। तो हमारा ए देगा क्या वन, बताओ? नो सर। FeCl3 टेस्ट देगा, वो तो फिनॉल का होता है, वो भी देगा। AgNO3, अच्छा गाइस AgNO3 के साथ क्या करेगा, बताओ मुझे? हम कहेंगे अच्छा ये NH2 NH3 प्लस Cl- ये इतना घिनौनी चीज है क्या? तुम्हें याद है बच्चों हमने पढ़ा था शायद कि जो फॉर्मेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, गाइस जो हमारी NH3 वाली जो रिएक्शंस थी हमारी, उनका हम जो इमीन फॉर्मेशन थी वो हमारी, हम किस में देखते थे, कौन से? तो बेसिकली यही बताना चाह रहा है, राइट। अब AgNO3 के बाद वाइट PVD मतलब AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, yes. और एसिटाइल्डिहाइड के बाद हाइड्रोजोन बनाएगा, नहीं बनाएगा? ए yes. क्या है, हाइड्राजीन है, मतलब HCl को तो बाहर ही निकाल दो ना गाइस, इट इज जस्ट टेलिंग अस कि मीडियम, तो हाइड्राजीन है तो ये टेस्ट दे देगा, नहीं दे देगा? हाइड्राजोन बनाएगा, नहीं बनाएगा? yes, बना देगा। तो यू कैन गेट योर आंसर, क्या आएगा बच्चों? थ्री और बी पे आते हैं गाइस, ये तुम्हारा हाँ प्रश्न ब्लू कलर दे देगा, और FeCl3 देगा, क्यों नहीं देगा भाई, OH छेड़ा, यस सर देगा, वाइट PVD भी दे देगा, ये तुम्हारा हाइड्राजोन तो नहीं देगा, रिएक्शन कर देगा, हाइड्राजोन नहीं देगा, ठीक है। सी पे आओ, बताओ बच्चों। हाँ हाँ देगा और हाइड्राजोन नहीं देगा। डी बताओ सर, प्रशियन ब्लू कलर देगा, देगा FeCl3 का, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। AgNO3 के साथ यस सर देगा, और हाइड्रोजोन देगा, ये तो 2,4-DNP था, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, यस हाइड्रोजोन देगा, तो ये देगा। 60 पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 60।
गाइस ये तकलीफ दे है। पहले वाले में रिएक्शन कौन सी है बच्चों, ए में बताओ गाइस क्या? एडिशन, करेक्ट, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बच्चों। तो हम कहेंगे एडिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज फोर। अब गाइस और क्या हो रहा है बच्चे इसमें, कुछ और भी हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, हो रहा है OHH, हाँ ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बाद में तुम्हारा एल्डोल से तुम्हारा यू गेट योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, हाँ ना? बी क्या होगा बच्चों इसमें? डू यू रियलाइज कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, OH सी डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, तो इट इज एडिशन, हाँ ना? फोर। हेमी एसिडल फॉर्मेशन भी हो रही है या हेमिकीटल रेदर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? हेमिकीटल बन रहा है कि कीटोन से हमारा ऐसे, हाँ बेटा बोलो सर एक बार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बता दो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा देखो एडिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बाहर नहीं निकली, एज सिंपल एज दैट। और हम क्या कहेंगे, आर सी एच ओ है और इसमें आर डैश ओ एच ने अटैक किया, तो हम क्या कहते हैं बेटा क्या होता है, ये इधर अटैक करता है, तो यू हैव गॉट आर सी एच ओ माइनस ओ आर डैश एच, और बाद में हम एच को कहाँ भेज देते हैं, इधर। तो डू यू रियलाइज इट इज अ एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इज द वन, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक्स द एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप, हाँ है ना? यस सर। तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इट इज हेमिकीटल फॉर्मेशन ऑल्सो, हाँ है ना बच्चों? तो इट इज गोइंग टू बी दिस ओनली, फाइन गाइस। सी पे आते हैं, सी बना कैसे यार, सी बना कैसे उसको देखो, ये तुमने करा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइप का सी एच टू सी एच टू सॉरी सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू सी एच टू सी एच टू। गाइस तुम्हें याद होगा एन एच सी का तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड ओढ़ाओ वहां से दो हाइड्रोजन हटाओ और एन एच बना दो, राइट? मैंने तुम्हें इस टाइप की रिएक्शन करी है इफ यू रिमेम्बर, ओ एच और एन एच टू बनाया पहले, मतलब हमने डायरेक्टली एलिमिनेशन नहीं किया और फिर हमने इसका अटैक यहाँ करवाया। कुछ फील आ रही है इस चीज की कि हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे चार की रिंग बना दो, चार की रिंग कैसे बनाएंगे हम, एक दो तीन चार हो गए, हम कहेंगे यहाँ पे एन एच आया, यहाँ पे पी एच जिसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे ओ एच है और एक यहाँ पे OH। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बोलो गाइस, गाइस बताओ, बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। और उसके बाद जब हम हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया और ऐसे ही OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बोलो। एंड व्हाट यू विल गेट इज समथिंग ड्रामेटिक लाइक, हाँ या ना? यस। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। मैं बस एक चीज देखना चाह रहा हूं कि मैंने पोजीशन बीच में पीएच की सही लगाई है नहीं लगाई है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक एट, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पोजीशन में गड़बड़ कर दी, बोलो गाइस, या सही लगाया है? ऑप्शन में डिफरेंट लगा हुआ है बेटा, ट्राई टू विजुलाइज कि हमारा ओएस डिफरेंट जगह लगा हुआ है, मैंने क्या किया यार, नंबरिंग में भी गड़बड़ कर दी क्या, 1 2 3 4, हम कहेंगे यहाँ पे कर दो 1 2 3 4, फोर पे हमारा ये आ गया, तो आई गेस नंबरिंग तो सही करिए बेटा, हाँ है ना? यस सर, सही लग रही, सही करिए ना? तो आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के आंसर उधर गल दे रखा, करेक्ट,
क्योंकि इस हिसाब से जो ऑप्शन में हमें दे रखा है वो तो हमें ये दे रखा है। हाँ, नहीं मतलब मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो प्रॉड बनाया वो तो गलत नहीं बनाया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लुक एट। सी डबल बॉन्ड हो ये आया, मैं उसको रिवर्स में जा रहा हूँ बेसिकली। होल्ड ऑन, सी सी डबल सी सी एच सी एच ओ सी एच टू सी एच, इसके इस टाइप के प्रॉड में बन रहा है ना इन्होंने जो सोचा है। देखो गाइस ये जो हमें दे रखा है ऑप्शन, मैं रिवर्स में जाके बताता हूँ तुम्हें। एन एच ऐसे ऐसे ये दे रखा है हमें, है ना। अब अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ओ एच आ रहा होगा, यहाँ पे ओ एच रहा होगा। बॉन्ड को मतलब एक काम करो, इसको तोड़ दो, राइट, मतलब इसका एक बॉन्ड उड़ा दो, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या कर दो, डबल बॉन्ड। फील आ रही नहीं आ रही है? तो जो मैंने अभी पहले बनाया था दैट शुड बी द सी एच ओ सी एच टू सी एच ओ। आई गॉट अ फीलिंग दिस इज द रिएक्टेंट दैट शुड हैव बीन गिवन, हाँ या ना। क्लियर और नॉट गाइस? इसको नंबरिंग से देख सकते हो तुम, मैंने इसको किया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली, सेकंड कार्बन पे ये बड़ा हाइड्रोजन एज वेल, हाँ है ना बच्चों। तो 1 2, क्वेश्चन इज स्लाइटली इनकरेक्ट। एनीवे लीविंग दैट असाइड, हम कहाँ पे आते हैं, सी पे। सी हमारा क्या होगा बच्चों, सी इज गोइंग टू बी, होल्ड ऑन, न्यूक्लियोफिलिक, पहली चीज एडिशन हुआ पहले, फिर तुम्हारा डिहाइड्रेशन हुआ, तो इट वॉज 4 and 5, और भी कुछ है, 4 and 5 हो गया, करेक्ट, ठीक है बच्चों, राइट। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 60 चल रहा है, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट तो हमने रिएक्शन देखी हुई है, हाँ है ना, राइट, आई मीन रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स में हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से, हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ, पहली चीज ध्यान से देखो, पहला एडिशन होगा फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, ट्राई टू विजुलाइज इट लाइक दिस। हम कहेंगे ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पहले ये इधर अटैक करेगा, ये कैसा है बच्चों, एडिशन, दिस इज एडिशन, एंड उसके बाद हमारा क्या बनेगा, विल हैव समथिंग लाइक दिस, ये OH बन गया, राइट। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ऐसे मान के चलो कि तुम्हारा हमने कार्बोकैटायन बनाया और इसका अटैक करवा दिया, हाँ है ना, टेक्निकली वाटर बाहर निकाला, इफ यू अंडरस्टैंड, OHH एंड इसको इसके साथ लिंक कर दिया, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है एंड वाटर इज गेटिंग एलिमिनेटेड ओवर हेयर, तो इट इज इवन योर, मतलब यहाँ पे जो OH है वो एक तरीके क्या कर रहा है, इट इज सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब इट इज डिहाइड्रेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, जो पहला था दैट वॉज एडिशन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे इसमें आंसर्स क्या क्या आएंगे बच्चों, 1 4 5, एंड यू गॉट, एक और चीज भी दोगी बेटा, यू विल हैव एसिडल फॉर्मेशन टू, बताओ एसिडल फॉर्मेशन भी तो हो रही है भाई, डबल बॉन्ड होगी जगह वो, मतलब ट्राई टू विजुलाइज इट लाइक दिस, एसिडल के लिए हमारे पास क्या होता है, एसिडल को ऐसे देखा करो, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था आर सी एच ओ प्लस आर डैश ओ एच में व्हाट यू डू हैव इज R CH एच ओ आर डैश ओ आर डैश। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारे दो O से, दो ओ आर से कनेक्टेड एक पर्टिकुलर कार्बन, ये कार्बन इधर भी ओ आर से कनेक्टेड है, ओ आर ओ आर, तो दिस इज योर एसिडल फॉर्मेशन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों,
अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी जवाब दो भाई, हाँ सर दिख रहा है, क्लियर गाइस? यस अगर यहाँ पे हमारा ये होता क्या होता, तो ये क्या होता, एक तरफ ओ आर एक तरफ ओ एच, दिस वुड हैव बीन हेमी एसिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको इजीली विजुलाइज करना सीखो, ओ आर ओ एच दैट इज योर हेमी एसिटल एंड ओ आर दैट इज योर एसिटल ऑन द सेम कार्बन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड, तो इसके आंसर क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, हाँ है ना, एसिडल फॉर्मेशन भी हो रही है इन ऑप्शन डी। बोलो बच्चों, बताओ गाइस, नहीं मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों समझ गए? यस यस यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं गाइस। ये तुम्हें पता है बेयर विलीगर है और एच की माइग्रेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, हमने क्वेश्चन करा भी है, इट विल गिव अस ए एज द आंसर, हाँ या ना? माइग्रेटिंग टेंडेंसी एच की सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट गाइस इस पे आते हैं, हमें दे रखा है आई टू के हाथ क्या येलो पीपीडी, इसका मतलब मिथाइल है, एल टॉलेंस के हाथ क्या रिएक्शन नहीं हुई, हाइड्रोलाइज किया फिर तुम्हारा टॉलेंस दे गया, पहले आयडोफॉर्म देता है, आयडोफॉर्म कौन नहीं देगा गाइस, एक एक करके करते आते, डी नहीं देगा, डी आउट हो गया। अब उसने कह रखा है जब हमने उसको आयडोफॉर्म, अच्छा एक चीज और, आयडोफॉर्म नहीं देगा और टॉलेंस भी नहीं दे रहा, टॉलेन कौन नहीं देगा, टॉलेन तो इनमें से ए बी सी में से तो कोई भी नहीं देगा, हाँ है ना, डी को हमने आयडोफॉर्म के हिसाब से एलिमिनेट किया, टॉलेंस इन तीनों में से कोई सा भी नहीं दे रहा, हाइड्रोलाइज करने के बाद तुम्हारा सिल्वर मिरर दे रहा है, बी आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? बी में जैसे तुम हाइड्रोलाइज करोगे यू विल हैव दिस, यू विल हैव दिस इज द प्रॉड, हाँ है ना? बोलो गाइस, ओसीएससी ओसीएससी का ओएचओएच बनेगा, जेमिनल डायोल बनेगा जिसमें से वाटर बाहर निकल के यू विल हैव डाइकीटो, हाँ है ना? यस सर, क्लियर हो गया। और ये बंदा क्या टॉलेंस टेस्ट दे देगा, उसने कह रखा है ना टॉलेंस टेस्ट बन जाता है तुम्हारा, नो सर नहीं, ऑन हाइड्रोलिसिस, तो बी इज आउट, बचा ए और सी, हाँ है ना, आयडोफॉर्म दे रहा है अब तुम्हारा, टॉलेंस के साथ कर रहे हो तो नहीं दे रहा अभी, राइट, हाइड्रोलाइज करने पे तुम्हारा ए और सी दोनों के दोनों देंगे तुम्हें, yes. दिख रहा है। अब गाइस इनमें से बेटर आंसर कौन सा ये बता दो, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें देखना है। हम कहेंगे यार ए में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रिलेटिवली ज्यादा है या नहीं एज कम्पेयर टू सी, हो सकता है तुम्हारा जो हेमी एसिडल है, जो हमारा हेमी एसिडल है ए में और सी में एसिडल है, हेमी एसिडल देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट बी ऑक्सीडाइज, वो ओ एच है बाई चांस वो डबल बॉन्ड ओ में चला गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट, हेमी एसिडल में, एसिडल में बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है टॉलेंस के साथ डायरेक्ट में, जब हाइड्रोलाइज करोगे तो सी एच ओ बन जाएगा, नाउ इट कैन शो टॉलेंस टेस्ट, हाँ है ना? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई और कितने को नहीं आई, मल्टी करेक्ट नहीं है सिंगल है, तो इट इज गोइंग टू बी सी। बोलो गाइस, तो यहाँ पे तुम्हारा एक चीज तुम्हें पता चल गई कि हेमी एसिडल माइट गिव माइट गेट ऑक्सीडाइज विद टॉलेंस, अ फैक्ट दैट यू हैव लर्नड, हेमी एसिडल्स गेट ऑक्सीडाइज विद टॉलेंस। ओके गाइस, बच्चों कितने बच्चों को डाउट है इसमें? सर ए पार्ट नहीं समझ में, ए नहीं समझ आया, रुको बेटा, ए में मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ए और सी में ही दिक्कत है ना? यस, इतना समझ में आ रहा है कि दोनों में ही हाइड्रोलिसिस करने पे ये बनेगा, यस राइट, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये था, क्या था, दो कार्बन सी एच ओ एच ओ सी एस सी, आई थिंक दिस, नहीं एक कार्बन एक्स्ट्रा मैंने स्किप कर दिया, सी एच टू सी एच ओ एच ओ सी एस सी, है ना बेटा? यस, हम कहेंगे दोनों में ही, अगर यहाँ पे ओ सी एस सी होता तो तुम्हारा ये दोनों ओ एच बना देता ऑन हाइड्रोलिसिस और तुम्हारा सी एच ओ बन जाता है यहाँ पे, हाँ है ना? यस, हम कह रहे हैं बिटवीन दिस एंड दैट ओ सी एस सी वाला, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी विद टॉलेंस ज्यादा है, हो सकता है कि ये तुम्हारा इस टाइप में जा रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, तो हम क्या कहेंगे जो हेमी एसिडल होते हैं दे माइट गिव टॉलेंस टेस्ट,
समझ गए, दिस वॉज हेमी एसिटल, सी इज प्रॉपर एसिटल, उसमें तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे सकता वो, ए माइट गिव टॉलरेंस टेस्ट विदाउट हाइड्रोलिसिस, समझ गए, बस यही चीज बता रहा था, कोई डाउट यहां तक अब? नो सर, क्लियर, मतलब बिटवीन ए एंड सी, सी इज अ बेटर ऑप्शन, हाँ है ना, क्योंकि वो टॉलरेंस नहीं देगा इनिशियली, हाइड्रोलिसिस पे ही दे सकता है, ओके बेटा, यस, हाँ 63 पे आते, कौन टॉलरेंस क्या टेस्ट देगा, फर्स्ट देगा, यस, सेकंड देगा, फोर्थ देगा, यस, और लास्ट देगा, लास्ट क्यों, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, यस, ठीक है बच्चों, नाइस, 64 में कोई डाउट, सिर्फ no, फैलाई देगा, हाँ है ना, फैलिंग्स, 64 फैलाई देगा, हाँ ठीक है, 65 में कौन सी रिएक्शन होंगी बच्चों बताओ, 65 कौन सा है, बेंजोइन, बेंजोइन, गुड, 66 में एल्डोल कौन देगा, फर्स्ट देगा, सेकंड देगा, थर्ड देगा, फोर्थ देगा, दैट्स इट, है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, बच्चों बोलो, राइट, यस, 67 पे आते हैं गाइस, इधर ध्यान दो, हमारे पास हाइड्रोजन मतलब एल्डोल होगा, वी नो, लेफ्ट साइड से तुम्हारे वो जाएंगे, दो हाइड्रोजन जाएंगे, और राइट साइड से CHO का हो जाएगा, हाँ है ना बच्चों, रिंग कितने की बनेगी, 5 की रिंग बनेगी, बोलो गाइस, yes. और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बनेगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यार, वैसे ही ना काम चल रहा, अब मुझे बताओ इसमें कितने एटम्स आर लाइंग इन वन प्लेन, अरे यार कितने एटम्स आर लाइंग इन वन प्लेन, हम कहेंगे पहली 5 की रिंग तो 5 कार्बन एटम एक प्लेन में, यस, हाँ है ना, अब गाइस यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हाइड्रोजन है ये तो इस टाइप के होंगे ना, वन इज लाइंग अबव द प्लेन टूवर्ड्स अस, वन इज लाइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम अस, ये कार्बन और ये कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है, दे आर गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, एक प्लेन ऑफ मॉनिटर से बाहर जा रहा है, कमिंग टूवर्ड्स अस, एक बिहाइंड अस, बताओ बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस सर क्लियर, गुड, अब हम कहेंगे इसका मतलब, लेकिन ये sp2 है तो दीज विल बी इन वन प्लेन, दीज टू हाइड्रोजन, हाँ है ना, बोलो गाइस, एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस ऑक्सीजन विल बी ऑल्सो इन द सेम प्लेन, हाँ है ना बच्चों, यस सर, बोलो गाइस, हुआ या नहीं हुआ, किसका, इसका 1 2 3 4 5 6 7 एडिशन में गलती करी है, 8 आ गया, ठीक है, ओके फाइन, 65 में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने में, ठीक है बच्चों, सो वी आर डन विद द टू शीट्स, जस्ट अ सेकंड बच्चों, हाँ